भाई राधा कुंड और श्याम कुंड तो जा नहीं पाए, बड़े भाई यहाँ लेके आ गए हमें। इसकी भी बढ़िया विशेषताएं हैं। जब महारास लीला हो रही थी तब भगवान शंकर और नारद उस रास लीला में शामिल हुए थे। इस कुंड में नहाके उन्हें तब बाहर निकले थे तो वो लेडीज बन गए थे। अच्छा, पर अमेजिंग बना हुआ है भाई, एक नंबर का, बढ़िया, देखने में मजा आ रहा है। राधे राधे सभी भाइयों को। फिलहाल भाई कल रुके थे हम नए बस स्टैंड और वहाँ से बस पकड़ के 33 रुपये का टिकट लेके हम पहुँच गए थे भाई गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। तो फिलहाल आज ना मैं गलती कर रहा हूँ वैसे तो उससे करने के बाद ये रिक्शा से, लेकिन अगली बार जब आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं था तो रिक्शा से ही कर रहे हैं, अगली बार अपने भाइयों को या किसी दोस्त को लेके आऊँगा तो पैदल परिक्रमा करेंगे ऐसे, जो कि आप देख रहे हो। तो अभी फिलहाल मैं मंदिर पर खड़ा हूँ, पूछरी का लोटा जो कि नाम है इनका ये। तो अभी चलते हैं भाई आगे के लिए, अभी और भी जाना जाना है क्योंकि 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं हमें। और इस टाइम ये है हम राजस्थान यानी कि राजस्थान बॉर्डर के पार आ गए। बहुत लोग करते हैं भाई वैसे खच्चरों से तो बढ़िया है, जैसे केदारनाथ में खच्चरों से लोग जाते हैं उससे तो सही है, इससे करना। ये रही हमारी मिनी मेट्रो भाई जी, ले जा रहे हैं हमें। आगे की यात्रा शुरू करते हैं, अभी ऐसे ऐसे हमें 4 मंदिर और घूमने हैं। लीजिए लस्सी बन के तैयार हमारी भाई, लस्सी बहुत फेमस है यहाँ, हर जगह मिल जाएगी पीने को आपको। ये देखो भाई सजावट का कार्यक्रम चल रहा है और केलों के पत्ते से बनाया जा रहा है ये रखे केले। हम बाहर रिक्शा खड़ी करके आराम से दही वही पी के आ गए दर्शन के लिए। और भाई जी तो आराम से बैठे थोड़ी देर, बाकी हमारे साथ 2 पैसेंजर थे जो अंकल आंटी है, वे आराम से दर्शन कर लेंगे, तब तक चलेंगे, उन्हें टाइम लगेगा ना, तो मैं आराम से यहाँ बैठ गया था भाई। कुछ इस तरीके की कारागिरी दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये रोज बनाते हैं आप लोग है ना? हाँ जी रोज बनाते हैं यार, नए वाले पुराने वाले को हटा देते हैं, पुराना वाला रोज हटाते हैं नया रोज बनाते हैं भाई। देखो मोर बनाएगा ये, कितना मस्त लग रहा है यार, सब जगह अलग ही देखने को मिलेगा यहाँ। वृंदावन मथुरा ये तो राजस्थान में आता है ना, उत्तर प्रदेश में गोवर्धन आता है, रोड से उस पार राजस्थान आता होगा फिर है ना, हाँ पूंछड़ी से पल्ली पार राजस्थान आता है, ये गोवर्धन आ रहा है ये। चलो भाई जी मिलके अच्छा लगा यार आपसे, वैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं, वापस जाना पड़ेगा, मेरा चैनल देख लेना, देखोगे तो आपको डालूंगा वीडियो में भाई। दर्शन हो गए और आके बैठ गए हम वापस यहीं पे, गर्मी होने लगी भाई दोबारा से खतरनाक, अभी अंकल आंटी आए नहीं है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं, तब तक वेट करेंगे यहीं पर। और ये मेन मंदिर था गोवर्धन जी का, यहाँ पे मस्त अभी पूजा वूजा के लिए तैयारी चल रही, शाम को होएगी 4-5 बजे के बाद, क्योंकि अब जाके मंदिर बंद हो जाते हैं। ये तो खुला था वैसे, बाकी इससे ऊपर एक मंदिर था वो बंद था तो हम जा नहीं पाए आगे। अभी आगे की परिक्रमा हमारी रह गई है, अभी 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, देखते हैं। भाई राधा कुंड जाना था लेकिन राधा कुंड भाई लेके नहीं गया, कहते कि वहाँ रिक्शा नहीं जाती बाहर की, तो फिर सबको लेट हो रहा था तो वहाँ तो नहीं जा पाए। अभी आ रखे हैं मानसरोवर और यहाँ पे भाई बत्तों का झुंड इतना प्यारा लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा। और फिलहाल ये देखो सारी बनावटी एकदम ऐतिहासिक है, सारी चीज़ें देखने में जो मस्त लग रही है, एक नंबर की। खैर रास्ता किधर से वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उधर का देखो कितना सुंदर लग रहा है, एक बार वहाँ जा के आता हूँ, फटाफट जाते हैं क्योंकि भाई वो फिर चिल्लाने लगेगा। यार खुद की गाड़ी हो तो बढ़िया है, फिर पैदल हो तो बढ़िया है, वरना ई रिक्शा वाले जल्दी चिल्लाने लगते हैं। अभी जाते उधर एकदम आते घूम के।
भाई पुलिस वाले अंकल इधर जाने को मना कर रहे हैं अब, लेकिन वहाँ पे बैठे लोग पता नहीं कहाँ से गए हैं, पर अमेजिंग बना हुआ है भाई, एक नंबर का बढ़िया, देखने में मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बंदर नहीं है, वरना बंदर होते तो आतंक रहता बंदरों का, बहुत ही खतरनाक भाई, मज़ा आ गया देख के। खैर पीछे तो नहीं जा सकता, अफसोस की बात है। अरे दो अंग्रेज, इनकी बच्ची भी है, सो क्यूट। हेलो हाय भाई, मानसरोवर को भी जो कुछ है ना एक तरफा से ही देखा जा रहा है, वहाँ तक नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ जो भी बैठा ना वो वर्कर है, तो हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मज़ा आ गया, ये छोटी परिक्रमा के अंदर आता है और एक परिवार मिला था भाई, बड़े क्यूट से एकदम अंग्रेज। चले सेठ जी चलो भाई, राधा कुंड और श्याम कुंड तो जा नहीं पाए, बड़े भाई यहाँ लेके आ गए हमें। इसकी भी बढ़िया विशेषताएं हैं कि यहाँ पे फूल वगैरह, ये किसे गिफ्ट दिया था कन्हैया जी को? कृष्ण जन्मोत्सव पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी को दिया था। अच्छा, फूल साफ करने के लिए, यहाँ पे फूल साफ वगैरह धूल के ले जाए जाते हैं पूजा वूजा के लिए। और जब महारास लीला हो रही थी तब भगवान शंकर और नारद उस रास लीला में शामिल हुए थे, इस कुंड में नहा के उन्हें नर का रूप धारण रूप बदला हुआ था, जब गए तो वो इंसान बन के इसमें नहाए थे, तब बाहर निकले थे तो वो लेडीज बन गए थे। अच्छा, रासलीला में शामिल हो गए थे, वो रासलीला के लिए क्या है ना लेडीज बनना जरूरी था, जिस कारण इसमें नहा के गए थे वे, तो खुद ही सिंगार बन गया था उनका। ये विशेषता भी है। खैर दो कुंड तो हम नहीं दिखा पाए, एक दिखा दिया इतना ही बहुत है, चले। फिलहाल आए मानसिंह गंगा मंदिर, जो कि यहाँ का मेन मंदिर है। भाई आप तो यहीं रहते हो, रोज यहाँ मछलियों को दाना खुलाते हो, इसमें मछली है ना? सांप ही है। सांप ही है? अच्छा, देखो भाई कितना बढ़िया व्यू है पीछे का, इतना शानदार। बोटिंग भी होती है लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा चलाता हुआ, तो मंदिर के अंदर के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाना होगा हमें। भाई बारिश भी आनी शुरू हो गया, अच्छा मंदिर के अंदर आ गए वरना तो उसमें तो भीग जाते, काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, बादल तो लगी रहे थे, ये देखो कितनी तेज़ पड़ रही है बारिश, और बढ़ जाएगा ये। लेकिन यार जो चीज़ सबसे ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए थी ना, उसी में पन्नी वन्नी गिर रखी है, देख लो इधर पत्तल गिर दी, मतलब कि प्रसाद वरसाद जो भी है ना गंदगी फैला रहे इसमें भी यार, ऐसा सही नहीं रहता। और बारिश के मजे लो आप। चलो भाई फिलहाल टाइम आ गया इन्हें बाय बोलने का, ये चले जाएंगे और अब हम जाते हैं अपना मथुरा, जहाँ पे बैग रख रखा, फिर वहाँ से जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन। तो मुझे बस देखनी, मेरी बस कहाँ है? बस वहाँ थी, वहाँ की बस ही देखनी पड़ेगी। भाई परिक्रमा करने के बाद आ गए, लेकिन बैग जो ना मैंने भाई अपने होटल में ही रख दिया था जहाँ पे रात रुका था, बिना किसी चार्ज के। भाई बहुत अच्छे लड़के यार वे, उन्होंने यहीं पे नए बस स्टैंड के पास ही, और इधर ही भाई उनका वो है होटल पास में, आपको दूर से ही दिख जाएगा, डिजाइनिंग अच्छी हो रखी, वीडियो में डाल दिया मैंने। और अब जा रहा हूँ सीधा मथुरा, मथुरा नहीं आगरा, आगरा से ताजमहल देखेंगे और एक दो जगह और होगी उसे भी देख के, फिर वापस ऋषिकेश का प्लान बनाता हूँ या कहीं और का देखेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी चल रहे सीधा रेलवे स्टेशन। भाई डोसा तो खा लिया, अब निकलते हैं अपने अगली मंजिल के लिए, और उसके लिए मैं ढूंढनी पड़ेगी बस। ओ यार मथुरा टू आगरा अब जा तो रही है ये, ओए अब मेरी बस निकल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई अपनी बस तो मिल गई आगरा के लिए, और ये वाली बस बढ़िया, वैसे खाली खाली जा रही है, आपको नहीं कह रहा। आधे घंटे बारिश में ही देखो क्या हाल हो रखा, एक डेढ़ फीट पानी भर गया भाई,
सारा पानी मगर गंदा है भाई। ये एक घंटे का सफर है, 4 बज गए, 5-5:30 बजे तक पहुँचेंगे। अब हम आराम से आगे बैठ के जा रहे हो भाई, मज़ा आ जाएगा। बारिश भी होगी तो मौसम एकदम ठंडा हो गया, बादल बादल हो रहे, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5-6 बज गए हो, लेकिन अभी 4 बजे। उतार दिया मुझे यहाँ पे, यहाँ से पड़ता है ताजमहल 7 किलोमीटर, 1.5 घंटे का सफ़र लगा। तो अब सबसे पहले देखना रूम, क्योंकि 5:30-6 हो गए, अब जाके कोई फ़ायदा नहीं, कल जाएंगे आराम से, आज रेस्ट करेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ ताजमहल के पास ही पड़ जाएगा तो ठीक है, और सबसे पहले खाते हैं कुछ पानी पूरी, क्योंकि आजकल मैं खाता रहता हूँ, फेवरेट होती जा रही है मेरी। चलो यही खा लेते हैं, एक प्लेट लगा देना अंकल जी मेरे लेग में। भाई पानी पूरी वाले ने बताया, पीछे मैं आ गया यहाँ पे होटल के लिए, बहुत बढ़िया बंदा था भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी उसने, होटल के लिए ही बता दिया और कल कैसे जाना वो भी बता दिया। बोला इधर रेड यहाँ पे, बोला कि यहाँ पे आके पता कर लो भाई, होटल के लिए सस्ते मिल जाएंगे 300-400 तक का। अब पता करता हूँ मैं कितने का मिलता है, बाकी कल की प्लानिंग बताएंगे फिर बाद में। तो भाई फाइनली रूम मिल चुका है, जो कि मुझे पड़ा है 500 रुपये का, और ये बिल्कुल रोड पर ही पड़ा है। यहाँ से जो आगरा का ताजमहल है मुश्किल से 7 या 7.5 किलोमीटर ही होगा, जो कि हम सुबह जाएंगे और जल्दी निकल जाएंगे, मतलब कि 7-8 बजे तक। तो आज की रात में मुझे काम करना, मतलब कल की रात तो भाई मैं 4 बजे सोया, 2 वीडियो एडिट करी, दोनों वीडियो अपलोड कर दिए कल ही, क्योंकि मुझे वाईफाई मिल गया था ना इसीलिए। और नेटवर्क तो भाई पूरे वृंदावन में एयरटेल का मिलता ही नहीं है, ना ही मथुरा में, वाईफाई मिल गया तो बात अच्छी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम, मतलब ये बेड है अपना, 2 बंदे आराम से सो सकते हैं, सामने एसी लगी है, टीवी लगा है, सारी चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा भी रूम नहीं है, ठीक ही है, लेकिन एसी नहीं चला सकते भाई, एसी का नहीं है, नॉन एसी है 500 रुपये में। तो अभी मस्त मैं नहाने धोने जाऊँगा, अब नहा धो के रेडी हो जाते हैं, मतलब नहाने के यार पूरे दिन चल चल के ना हालत ख़राब हो जाती है। वैसे आज गए थे गोवर्धन पर्वत, जिसकी परिक्रमा, लेकिन परिक्रमा भाई पैदल ही करी जाती है वो तो मुझे पता, लेकिन मैं परिक्रमा नहीं कर पाया क्योंकि मैंने करी है केवल रिक्शा से, बस मैं देखने के माध्यम से चला गया था, क्योंकि भाई इतनी गर्मी थी और टाइम नहीं था। लेकिन परिक्रमा अगर करनी है ना तो भाई रात में करो, सबसे बढ़िया टाइम है, उसमें सबसे अच्छा रहता है कि गर्मी नहीं लगी ना कुछ लगे, अगर रात रात में आपकी हो जाएगी, क्योंकि 5-6 घंटे तो लगते हैं नॉर्मली, मेरे जैसा लड़का 5-6 घंटे में कर देगा, बाकी तो नहीं 7 घंटे लगते हैं, क्योंकि 21 किलोमीटर की परिक्रमा, और भी मंदिर भी पड़ते हैं, और भाई मानसरोवर रहा और राधाकुंड रहा, सारी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती ना, लेकिन हमने राधाकुंड नहीं देखा, बाकी सब चीज़ देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आज आपको पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं कल सीधा ताजमहल पर, और उसके बाद का प्लान अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, बाद में सोचेंगे, अभी वीडियो का काम बहुत पड़ा, एडिट करनी पड़ेगी। तो राधे राधे, आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, मिलते हैं कल।